पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर गुरुजनों का स्वागत और सम्मान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सरकार के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा धार्मिक आयोजन और आस्था से जुड़ा विषय है। सुरक्षा और हमारी धार्मिक भावना की दृष्टि से लोगों की पहचान आवश्यक है। सरकार ने पुरानी सरकार के फैसले को ही पालन करने को कहा है, इसे अन्यथा न लिया जाए और यह आयोजन बड़ा और बहुसंख्यक समाज की बड़ी आस्था का विषय है। तो वहीं जयंत चौधरी द्वारा कांवड़ पथ पर नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले के विरोध करने पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। तो वहीं इंडी गठबंधन के भाजपा पर संविधान खत्म करने के आरोप पर भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान को समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया है। मुनियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था में जो गुरुओं का सम्मान है और जिस प्रकार से हमारे चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारी माँ हो, प्रारंभिक गुरु के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का हमारा मार्गदर्शन किया है और अलग अलग समाज में जो हमारे गुरुओं का स्थान है उसको हम लोग प्रणाम करके सम्मानित किया है आज। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों का, देशवासियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांवड़ यात्रा का एक धार्मिक आयोजन है, एक आस्था से जुड़ा विषय और सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारी धार्मिक भावना की दृष्टि से भी लोगों की पहचान आवश्यक है। और उसी परिप्रेक्ष्य में पुरानी सरकार के एक निर्णय को सरकार ने पालन करने के लिए कहा है, इसमें कोई अन्यथा के रूप में न देखा जाए। बहुत बड़ा आयोजन है, समाज के बहुसंख्यक समाज की बड़ी आस्था से जुड़ा विषय। ये उनकी उनका विषय है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा है। वो NDA का हिस्सा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वो हम सबके हित में। संविधान को समाप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने का काम, चाहे कश्मीर में हो या अन्य, सबसे अधिक संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए, सबसे अधिक देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम, धारा 356 लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये कांग्रेस के लोग एक समाज में नकारात्मक प्रचार करके अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। देश और प्रदेश की जनता सजग है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं। अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ममता बनर्जी ने आज पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद में एक साथ पक्ष साझा कर रहे हैं। ये सब इनकी विचारधारा एक ही है और जिस प्रकार की परिस्थिति बंगाल में है, जिस प्रकार का सांप्रदायिक तनाव, टकराव और जो उनकी विचारधारा में लोगों को प्रताड़ित करना, सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक दुर्घटनाएं हुई हैं तो बंगाल में हुई है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये विपक्षी दलों का एजेंडा है और पूरे देश की जनता के सामने इस विपक्षी दलों का एजेंडा आज बेनकाब हो चुका है और देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, NDA की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद चुनाव उस पर कितना असर पड़ेगा? हम लोगों की पूरी तैयारी है,
और हम लोग अपने संगठन की जो हमारी रचना है, हमने उस रचना में अपने सभी विधानसभा प्रभारी, लोकसभा के उप प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है कि हम अपने संगठन की पूरी रचना कंप्लीट करके और जैसे भी चुनाव की अधिसूचना जारी होगी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके हम पूरी ताकत के साथ विधानसभा के उपचुनावों में जाएंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।